फिर अस्सलाम वालेकुम। जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिया वादे मुस्तफ़ा में वार्ड नंबर 22 में जो है सुबह में एक फ़ोन आया था। 21 वार्ड में एक फ़ोन आया था कि ऐसा घर को आँच लगी बोल के, तो आए यहाँ पे हम लोग आके जो है पूरा इसका जायज़ा लिए। और ये घर के जो लोग हैं 9100 पे कॉल करे, कॉल करते कि जो है पहाड़ी शरीफ पीएस से सर्कल साहब, सतीश साहब और भास्कर साहब, एसआई साहब, उन्होंने आके जो है इन्वेस्टिगेशन करे। और जो है घर में कोई सामान नहीं बचा। पहले तो इन लोग जो है मोहता में गए हुए थे, उसके बाद में इनका घर लॉक था, तो पड़ोस वाले जो है उनके दीवारों बाजू के गर्म हो रहे थे, तो उन्होंने जो है फ़ोन करे उनको कि भाई आपके घर में से ऐसा धुआं नहीं कर रहा, दीवारा पूरे हमारे गर्म हो रहे, देखिए बोले। तो आके उन्होंने घर देखे तो उनके घर में कोई चीज़ जैसा सामान रहता जैसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, जैसा कि फ्रिज है, टीवी है, पलंग है, अलमारी, यानी कि और उनके कुछ जो है ज़ाती चीज़ें थे, उनके घर के डॉक्यूमेंट्स थे, उनके घर के पेपर, जो भी चीज़ें थे सब जल के खाकस्तर हो गया। इनके घर में कोई चीज़ नहीं बची सिवाय राख के। तो जो है अभी हमारे पहाड़ी पीएस वाले भी आए थे, इंशाल्लाह उन्होंने भी तवक्को दिए कि अच्छे से अच्छा हम जो है कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि कौन इसके मतलब ज़िम्मेदार कौन है, क्या है, देखेंगे करेंगे बोल के जो है तवक्को दे के गए। और जो है हम हुकूमत तेलंगाना से भी हम एक जो है गुजारिश करते हैं कि इनकी कुछ अगर इमदाद हो सक रही तो हुकूमत के ज़रिए कुछ ना कुछ इनके लिए इमदाद भी करिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज़ अहमद है, ये मेरी बहन का घर है। मैं वादी मुस्तफ़ा में, मैं याकूतपुरा में रहता हूँ। जुमेरात के रोज़ मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और सब वहीं थे। कल ज़ियारत के मौके पे, कल दिन के टाइम पे बहन और भौनी आए थे घर को, आके थोड़ा जो भी काम था उनका कर लेके नमाज के बाद उधर वहाँ पे ज़ियारत में आ गए थे। और आज सुबह में 7:30 बजे के टाइम पर पड़ोसी का जो घर है उनके घर में पूरी तड़क आ गई, दीवारें पूरे गर्म हो गए थे और भापा नहीं कर रहे थे। उन्होंने बाजू वालों को आवाज़ दे के बोले कि ऐसा गर्म हो रहा दीवार बोल के। जब देखे तो घर में पूरी आँच लगी हुई थी हमारे घर में और गेट का लॉक भी खुला था। फिर उन्होंने हमारे भाई को फ़ोन करके बुलाए, फिर हम लगा जब आके देखे तो पूरा घर का पूरा सामान जल गया। फर्नीचर था अलमारी में के सामान पूरे जल गए और एसी जितना भी फर्नीचर घर का था सब जल गया और कैश भी था उसमें, घर का सामान सोना भी था, दो घर के डॉक्यूमेंट्स भी थे और घर के गाड़ियों के भी पेपर रखे हुए थे। सामान तो कुछ बचा हुआ नहीं है हमारे, कहाँ है ना, तो रियाज पड़ोसी है उनके वजह से, उनसे मालूम आता कि फ़ोन ऐसा घर में से धुआं नहीं कर रहा और आँच लग रही बोल के। जब यहाँ आके देखो तो सामान तो कुछ बचा हुआ नहीं है, नुकसान तो बहुत हुआ। कंप्लेंट करे पहाड़ी शरीफ पीएस को तो सीए साहब आए और ऐसे ही साहब उन लोग आके पूरा देख के करके इन्वेस्टिगेशन करके गए। अब आगे कौन टीम आने लिए देखना है उन लोग आके क्या बोलती है। किसी पर शक है क्या? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है, रिलेशनशिप सबसे अच्छा ही था यहाँ पे, रिश्तेदारों में भी बस्ती में सबसे अच्छे ही थे, तो शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है सर। नुकसान का क्या हुआ? नुकसान घर में कोई बचा ही नहीं, खाली राख ही रखी हुई है घर में, और क्या है, पूरा सब जल गया ही है।